वेलकम फ्रेंड्स आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा शानदार है दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको ड्रामा सीरियल तुम बिन कैसे जिए की अगली एपिसोड के हवाले से बताने वाले हैं इसमें आप देखेंगे कि इधर साध वो सब घर वालों को एतबार और यकीन दिलवाने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन कोई भी उसकी बात का एतबार नहीं करता सब ही घर वाले अदनान को ही सच्चा समझ रहे होते हैं और वो अपने मकासद में कामयाब हो रहा होता है फिर इधर जब साध वो अपने घर वापस चला जाता है तो उसकी वालिदा को जैसे ही पता चलता है तो वो हाथ तक उठा देती है और खूब गम और गुस्से का इजहार करते हुए फिर आखिरकार जैनी के वालिद को यही कह रही होती है कि आप साध की शादी करवा दें सारा से ही जिसके बाद इधर जैनी का वालिद सोच में पड़ जाता है और सारा वो उसी वक्त कह देती है कि ऐसा नहीं हो सकता मैं बिल्कुल भी साध से शादी नहीं करूँगी क्योंकि मैं खुद अपनी बहन का घर नहीं खराब कर सकती जिस पर के जैनी का वालिद कह देता है कि तुम तो अपनी बहन का घर खराब कर चुकी हो और तुम इस कदर खुद गर्ज हो जाओगी हमें अंदाजा नहीं था हमें अदील के वालिदैन ने इतनी ज़्यादा बातें सुनाई और हम चुपचाप उनकी तमाम तर बातें सुनते रहे लेकिन आज हमें बहुत ही ज्यादा दुख हो रहा है इसके बाद कैद इधर वक्त गुजरता चला जाता है और जैनी के भाई का रवैया भी बहुत ही ज्यादा बदल चुका होता है वो अच्छी तरह से बात भी नहीं करता और अख्तिला की वजह से मामला मज़ीद से मज़ीद तर बिगड़ते जा रहे होते हैं खैर इधर साद़ ने यह सोच लिया होता है कि वो अदनान को किसी भी सूरत में माफ़ नहीं करेगा और वो उससे अपना बदला ज़रूर लेगा उसका असल चेहरा वो सब घर वालों के सामने लेकर आकर ही रहेगा और फिर वो ऐसा ही करता है इधर जहनी वो बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है जबकि उसकी वालदा उसे समझा रही होती है कि साध तो बेवफा था उसे तुमसे मोहब्बत थी ही नहीं उसकी खातिर क्यों इस तरह परेशान और गमगीन और दुखी बैठी हो जिस पर के जैनी वो यही कह रही होती है कि मुझे कोई भी शिकवा नहीं है साथ से असल में मुझे मसला है तो जारा से कि उसने मुझे धोखा दिया मेरी खुशियाँ देखी ही नहीं गई इसी वजह से उसने ये सब कुछ किया है ख़ैर इधर वक्त गुजरने के साथ आगे आप ये भी देखेंगे कि इधर ज़ारा की शादी हो जाती है साद के साथ लेकिन ज़ारा वो बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो जाती है और ख़ुद को कसूरवार समझ रही होती है इसके बाद इधर साद वो यही ज़ारा को समझा रहा होता है कि तुम हकीकत जानती हो कि तुम्हारी ग़लती नहीं है और फिर आखिरकार इधर बहुत ही ज़्यादा कोशिशों के बाद साथ वो अदनान का असल चेहरा सब घर वालों के सामने लेकर आने में कामयाब हो जाएगा वो इस तरह से कि इधर अदनान के, के हवाले से भी उसे सब कुछ मालूम हो जाएगा जिसके बाद फिर वो अदनान की बीवी को सब कुछ बता देता है कि ये तुम्हें भी धोखा दे रहा है तो तब जाकर उसकी बीवी को शक हो जाता है और फिर उसका बहुत ही जल्द शक ये यकीन में भी बदल जाएगा जिसके बाद फिर इधर सब घर वाले बहुत ही ज़्यादा परेशान और हैरत में ब्तला हो जाएंगे so friends, अब आप को क्या लगता है कि क्या जैनी और उसके घर वाले अपने किए गए फैसले पर पछताएंगे या फिर नहीं दोस्तों आपको क्या लगता है आप अपनी कीमती राय नीचे दिएगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल